नमस्कार, विंद भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। भू माफियाओं पर निरंतर कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री के निर्देश अब ठंडे बस्ते में जाते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा खाली कराई गई भूमि पर भू माफियाओं में पुनः एक बार कब्जा कर लिया है और अब पुलिस बोल रही है कि कैसे मान लूं कि यह तुम्हारी ज़मीन है, यदि है तो साबित करो। 25 प्रेस वार्ता के दौरान समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला ने कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार अति शुक्ला एवं श्री कोतवाली पुलिस के निगरानी में जो भूमि उसे अधिकारियों में मुक्त कराई गई थी, उस पर एक बार फिर भू माफियों ने कब्जा कर लिया है, जिन्हें पुलिस का खुला संरक्षण मिल रहा है। समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला ने कहा कि यदि 15 दिवस के अंदर नए उचित कार्यवाही नहीं हुई तो एक बार फिर धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। तो आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला का। क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे आप? ये है, आज ग्राम गड़रिया स्थित भूमि के अवैध अतिक्रमण का मामला है। ये 999/1/1 में अनिल सिंह भदौरिया, भोला पटेल, महेंद्र पटेल वगैरह ने जो हमारी क्रय सुधा जमीन है उसमें अवैध अतिक्रमण कर लिया है। कलेक्टर महोदय द्वारा 2 मई को कब्जा दिलाया गया, तहसीलदार की उपस्थिति में, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में दिलाया गया। इसके बाद भी उन्होंने 18 मई को हमारी बाउंड्री वॉल को तोड़ करके फिर से कब्जा दिया, जिसे मुझे मजबूरी में आनंद फानंद में तत्काल हम जब धरने पर बैठे तो 12 बजे रात आ करके थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने उसके अवैध कब्जे को हटाया, मुझे कब्जा दिया। इसके बाद भी 10 से 15 दिन के बाद फिर उन्होंने हमारी बाउंड्री को तोड़ करके, जबकि एक कमरे का मकान और बाउंड्री थी, अनिल सिंह भदौरिया, भोला पटेल, महेंद्र पटेल वगैरह द्वारा तोड़ करके फिर से अब अपने मकान बनाने की लगातार कोशिश करें। इस संबंध में तमाम पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, तहसीलदार, SDM, तमाम सारे अधिकारियों को हमने इस संबंध में आवेदन दिया, शिकायती आवेदन पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इसमें सबसे बड़ी संलिप्तता जो अवैध अतिक्रमण में है, इसमें है थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह, सिटी कोतवाली। इन लोगों ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, जबकि जब 18 मई को इन लोगों ने अवैध अतिक्रमण और मेरी बाउंड्री वाल को तोड़ा था तो उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 482 और धारा 427, 447, 147 के तहत मामला पंजीबद्ध है। इसके बाद भी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों ने फिर से मेरी पूरी तरह से बाउंड्री को तोड़ करके और अपना मकान का निर्माण करा रहे हैं। इस संबंध में मैंने कलेक्टर को, कमिश्नर को, ESP को, DSP को और थाना प्रभारी को, तहसीलदार, SDM सभी अधिकारियों को दिया हूँ कि हमारी ज़मीन में अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश है और इसके स्थगन आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर